जय जगन्नाथ। बादीपाला मंच को मोर माँ और भाई मान को स्वागत करुच्छे, स्वागतम। ये बादीपालार विषय वस्तु हूँ लीला अवसान। अंशग्रहण करुछंती गायिका सुरंतरंगिणी सस्मिता राउत। सर प्रणाम। जय जगन्नाथ। आउ तांको संगरे लड़ीबा पे अछंती गायिका रत्न लक्ष्मीप्रिया दास। आज्ञा प्रणाम। जय जगन्नाथ। आज विषय वस्तु है लीला अवसान। कहार लीलार अवसान, कहार मर्त्यलीला अवसान, ना कौनसी युद्धर अवसान, ना कौनसी काव्यकला अवसान बुझा जाई पारे। किंतु मने हेउछि ए लीलार अवसान हेउछि प्रभुंकर मर्त्यरे जो लीला चलिथिला। मर्त्यरे लीला सहजे आसे नाही। केते केते वर्षर अंतर रे जेतेबेला संसार रे एक शून्य स्थान सृष्टि हुए, प्रभु जेतेबेला अनुभव करंती तांक प्रचारित तांक प्रसारित भावना धारा सब उल्टी गला। मनुष्य को जो धारा रे चलेबा पय आस्तिले मनुष्य को निजर सही भावमूर्ति देई जहाँ करबा पय से चेष्टा करथले सब व्यर्थ हो जाय। तेणु निजे आसीबा को पड़े, सेटा होची लीला। से लीलार चेष्टा करती मनुष्यटा को उठेबा पुणी सब बड़े तो से लीला रही पार ना, से लीलार अवसान घटव प्रभु तक प्रतिनिधि मान छाड़ी जीवे। आह्वान करुच्छे आसवापी ये है लीला अवसान। प्रथम आसबे गायिका सुर तरंगिणी सस्मिता राउत। माननीय सारस्वत
ये बादीपाला मंचरे उपस्थित पूज्य चिर नमस्य नमस्य राज्य पालाय गायक परिषदर स्थायी सभापति समीक्षक महोदयंकर तथा उपस्थापक एवं संयोजक एवं समस्त कर्मकर्ता महोदय मानंकर तथा ये प्रार्थना चैनल रो ये विदग्ध कला शिक्षा कार्यक्रम पाला को उपभोग करूथिबा प्रार्थना चैनल माध्यम रे ये विदग्ध कला पाला को आज्ञा श्रवण करूथिबा उपभोग करूथिबा उत्कलीय पाला प्रेमी मोर आबाल वृद्ध वनितांकर सज्जन बृंद कहिबार अर्थ करार बिंदे कर पद्म द्वारा बा हस्त पद्म रे पाद पद्म को नहीं मुख रूपक पद्म रे जी प्रवेश कराई थिले एवं बट पुत्र बट पत्र पुटरे जी शयन करती जी शयन कारी से बाल मुकुंद कृष्ण भगवान स्वयं समस्त मंगल करंतु सर्वरिष्ठ खंडन करंतु सर्वे प्रेमानंदे आनंदे कबार दुष्कृति विनाशन सम्मानस्पद समीक्षक महोदय प्रार्थना चैनल माध्यम रे ये विदग्ध कला लोक शिक्षा कार्यक्रम को पाला को उपभोग करूथिबा मोर समस्त सज्जन वृंद मो सहित आदिवादी पाला मंच रे मोर बड़ भौणी लक्ष्मी प्रिया दास महोदय अच्छा पालार प्रारंभिक पर्यायर विषय वस्तु रही आपण मानकर जगन्नाथ दासंकर कृत ओडिया भागवतर लीलामय पुरुषंकर लीला आज्ञा केमिति अवसान हला ए विषय रे टिके आलोकपात करबाकू जाउछि समय स्वल्पता को आखि आगर रखी हे मोर विद्वान कदम टिके लक्ष्य देबे दुष्ट जन मानंकर दुष्कृति को विनाश करबा पाई संथ जन मानंकु परिपालन करिवार उद्देश्य नहीं भगवान सदा सर्वदा ये मनुष्य अपघन मानव देह धरावतरण कर दिन भगवान कृष्ण एमिति जदुवंश को संहार कर आपण मानकर संस्कृत भागवत कहुची से हेउछ आज्ञा मयूरी अक ओडिया भागवत जगन्नाथ दास प्रमाण देले से हेउछ आज्ञा कादंबरी रस कादंबरी पान द्वारा बा संस्कृत भागवतर कथा वस्तु अनुसार मयूरी अक पान द्वारा हिंसात्मक विवाद सृष्टि करी निज निज परस्पर भितरे केहि आज्ञा चिन्हा चिन्ह हो न पारि परिशेष रे जदुवंश आज्ञा ध्वंस हो जदुवंश को ध्वंस कर सारा पर निर्वाक निष्पन्द होदिन भगवान लीलामय पुरुष कृष्ण आज्ञे सियाली लता कुंज आज्ञा विश्राम नहीं केमिति मनमथ मिश्र निर्देशन रवींद्र महापात्र आज्ञा कंठदान कर एक सुंदर गीत कहार उद्देश्य से दिन भगवान सियाली लता कुंज विश्राम नहीं जशोदा मार कोड़ झूला जशोदा
कृष्ण आज्ञा सियाली लता कुंजरे विश्राम नेइछंती सत मने पडुछि सेदिन मुनि ऋषि मानंकर अभिशाप कथा सतरे कोन मुनि ऋषि मानंकर अभिशाप फळिला मोर वंश समस्त ध्वंसाभिमुखी हेगले हे मोर ज्ञानी कदम्ब टिके लक्ष्य देबे ठीक एई समय रे आपण मानंकर एक सबर जाहार नाम होछ आज्ञा जरा जरा सेदिन मु गया करबा निमित्त आज्ञा एरोका वन रे परिभ्रमण करूथिले भगवानंकर बाम पाद को मृगर कर्ण बोली भाभी निक्षेपित करी जरा सबर ए बाण हे से आपण मानकर ओडिया घर उज्जवल रत्न अति बड़ी जगन्नाथ दास निर्जास देले से दिन जरा सबर आज्ञा स्वर मारी केमी ये लता गहन वृक्ष मूले देखिला चरण लता गहन रे जारार आखिरे भ्रम सृष्टि हला भगवानंकर बाम पाद को मृगर कर्ण प्राय भाभी जारा आज्ञा जरा आज्ञा सर मारिला ये मृगर कर्ण प्राय निक्षेपित कला आज्ञा बाण को विध हला भगवानंकर बाम पाद रे भाविला जरा निश्चित ये शिकार को लाभ करी सेदिन आपण मानंकर ज्येष्ठ भ्राता कहवा को गले पूज्य चिर नमस्य गायक रत्न प्रभात साहू महोदय स्वर को आज्ञा किए गायब से भली योग्य पुव जन्म हवा ये संसार रे विरल सेदिन जरा द्रुत बेगर धाईगला आज्ञा शिकार लाभ आशार बेग हृदय धाईगला जरा शिकार लाभ आशारे चकित हो गला दुख कही रही भाषारे जरार निक्षेपित स्वर जत भगवानंकर बाम पादरे बाजिछि हे मोर ज्ञानी कदम्ब भगवान कृष्ण जंत्रणा जर्जरित होइ उपवेशन करिछंति सियाली लता कुंजरे ऋतुबेगर जतबेले से दिन आज्ञा जरा दौड़ी गला भगवान एपरी अवस्था देखे भगवान पाद तले पड़ा डाकिला हे प्रभु प्रभु हे महात्म्य हे महानुभव हे कृपालु ठाकुर मुझे आपण बोली आपण पाद को मृगर कान बोली भाभी मुझ सर निक्षेप ये दोष को मोर आपण क्षमा करंतु हे एक सुंदर चौपदी आणुची मोर गुरुदेव बलिष्ठ लेखन जरा कहुची हे प्रभु क्षम दोष मोर दयामय क्षमा सागर अखिल ब्रह्मांडर करता हे पुरुषोत्तम हे महाप्रभु पद पंकज शरण नहीं विनयता पूर्वक आपण मोर किए दोष को क्षमा करंतु हे बड़ भौणी
लक्ष्मीप्रिया दास महोदय प्रश्नवादी पाला मंचर नियम अनुसार जो व्याध की शबर कि जरा जरार बापा नाम कौन द्वितीय पर्यायर आसी मोर भौणी उत्तर देवे हे मोर पंडित कदम्ब महिमार अर्थ ये जरा कहूँ हे प्रभु अनार्य किरात जाति बने भ्रमी नाही भ्रांति प्रभु ये स्वापद संकुल घंच अरण्य हेउछि मोर क्रीड़ा स्थली पशु पक्षी मानंकु बध करिबा हेउछि मोर कौलिक वृत्ति आपण मते क्षमा दियंतु मो जानते ए भूल करि दैछि सैति पाई आज्ञा चौपदी चारि पद कुनै गाइबा कथा समय स्वल्पता तेणु गोटे पद मु परिवेषण करिछि संस्कृत भागवत कृष्ण दैप्यायन व्यास कौन कहिले सेदिन जरा कहूछि दानता कृतमिदम पापेन मधुसूदन महर्षि पापस्य उत्तम शुल्क मेन हे प्रभु हे यशस्वी पुरुष हे निर्विकार पुरुष आपण ये अजाणत करिथिबा भूल को आपण क्षमा दियं हे मोर ज्ञानी मंडली एठी आज्ञा दुहा पद एक टाणीबा बाई मन रे ये दुनिया दुई दिनिया खेल घर धन्यवाद आमर प्रथम आसीथिबा सुकंठी पाला गायिका सस्मिता राउत आउ जने सुकंठी मध्ये आसछंती लक्ष्मीप्रिया दास सोमनाथ आपण माने जाइथिरे सोमनाथर सही नदी एवं समुद्रर सही मिलन स्थली रे एबे भी गोटे मूर्ति तैयारी कर दैछंती सोइछंती प्रभु जारा सबर हाथ बंद करी चाहिछि कातर कंठरे तारी अररे प्रभु चली जाऊ कि कष्ट से कष्ट को अनुभव कर कांदुची अरे नहीं सब मो इच्छा रे हुए कष्ट पाइबापाई तो मुसरे यही हूँ प्रभु से प्रभु सोई सुधा आम आखि आगे ता भासी आस गीत गुड़िक भेतरे यही कथा जमी मन भितर है धन्यवाद दूची एवं आस लक्ष्मीप्रिया तुम विश्लेषण
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଫୁଟି ଉଠେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କଳା ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲୋ କଳା ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲୋ ଥରେ ନାମ ଜପି ତୁ ହୁଅ ତୋଷଲୋ କଳା ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲୋ ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲୋ ନାମ ଜପି ତୁ ହୁଅ ତୋଷଲୋ ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲୋ ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲୋ ଛାଡ଼ିଏ ଦୁଧ ଭାତ ପିଅ ତୁ ନାମାମୃତ 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 ତୋର ବିଷୟା ବିଷ ହେବ ଧ୍ୱଂସଲ କଳା ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲ ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲ ଥରେ ନାମ ଜପି ତୁ ହୁଅ ତୋଷଲ ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷଲ ହଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧର ଭାରତ ନାଶନ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର ମୁହେ ମୁହି ପାତଞ୍ଜଳି କି ଅବା କପିଳ ଦୁଷାଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗକୁ କରିବି ସରଳ ନୁହେ ମୁଁ ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନେ ମୁଁ ସ୍ରତ ଗୁରୁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟିଏ ପ୍ରଣତି ଦୂରେ ଥାଇ ଗୁରୁଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତବ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଲଙ୍ଘି ଯିବି ପାରାବାର ସାରି ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସୁମତୀ ଦେବୀ ଚାର ସୁମତୀ ଅମୁଧି ମଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ଶିଳ୍ପ ପୁରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ଶିଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା ଅଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା ଅଳ୍ପ ବସି କରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବସି କରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଦେ ବସି କରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଦେ ବସି କରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଦେ ବ୍ରହ୍ମା କାମ କଳ୍ପ ପାଳପ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ସୁଧେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଏବଂ ଆଜିର ଆସନରେ ଯେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯା ଜଜ୍ ରୂପରେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଡ଼ତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରି ସଜୀବ ଜ୍ଞାନ ରସର ଲାକ୍ଷ୍ୟାରସରେ ରସାଣିତ କରି ସମାଜକୁ ଅଭିନବ କଳାକୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଯିଏ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଏକାଧାରରେ ଯିଏ ଜଣେ ସୁପଣ୍ଡିତ ସୁଲେଖକ ସୁବିଚାରକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚକ ବା ଗବେଷକ ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲାଗାୟକ ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜତକର ମହୋଦୟଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।
प्रणाम जनाउछि मोर गुरु गायक शेखर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्रीजुक्त जगन्नाथ बेहेरांकर चरणार बिंदरे प्रणाम जनाउछि मोर द्वितीय गुरु गायक व्यास श्रीजुक्त लक्ष्मीधर दासंकर श्री चरणार बिंदरे केशुना बादीपालार मंच ये आज बादीपाला शीर्षक विषय वस्तु भगवान कृष्ण लीलावसान तो आमपाई अच्छा भद्रक जिलार जड़े अनेक प्रतिभार कोलमंडन करिथिबा एवं सुमधुर कंठरे गीत को गाई पारुथिबा जड़े सुनाम धनिया वरिष्ठ गायिका सस्मिता राउत महादया केशुना प्रसंग बहुत आग को जा समय स्वल्प विशेष समय नवा ना आमपाई प्रश्न अच्छी जारा शबर बापा किए किए जारा शबर भली गोटे सुपुत्र को जन्म दे पिता किए गोटे पद आज्ञा गाउछि द्वितीय भंज कवि होउछन्ते गोलक चंद्र प्रधान कले ये काले हिरण्य धनुपुत्र तार जारा अटे नाम भक्ति भरे कोला गंडा भारत होई गुरु को प्रणाम रहो सेतिके थाउ आउ विशेष समय नवानी आपण मानकर द्वितीय भंज कवि गोलक चंद्र प्रधान कुहंती हिरण्य धनुर पुत्र हेउछे जारा बुझेउछे प्रथम प्रमाण गला द्वितीय प्रमाण को जीवा केशुना सारला दास ओडिया महाभारत ओडिया भाषार प्राण प्रतिष्ठाता कहिले अत्युक्ति हेबो नाही हुए तो सारला दास नथिले नथांता जे ओडिया भाषा लुप्त हो जाइथांता सुप्त हो जाइथांता कान्हूपादकर लुईपादकर पूर्वर परवर्ती समर कवि हेउछन्ति सारला दास सारला दास ओडिया महाभारत मुसली पर्व 2635 पृष्ठा सुंदर पदटीए प्रमाण देले कहले बदन बोइले अगस्ती शुण वैवसुत मनु बोइले अगस्ती शुण वैवसुत मनु अजपति शबर जे जारा नामे सुनु अजपति शबर तार पुत्र हेउछि जारा सारला दास कहिले पुणी मध्य आपण मानकर गोसिंह महाभारत कुहंती सारला दासंकर ए जारा शबर जरा नुहे से हूँ जारा जारा शबर पितांकर नाम हेउछि काल केतु दैवर विपरीत शुण हो श्रीहरि चरित बनरे भ्रमई जारा नामे नकिरात अजर शबर बोली नाम तार जान अजपति बोली तार पुत्रे को प्रमाण अजपतिर नंदन अटई जर 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 नंदन से अटई विराज विराजर नंदन अटई काल केतु केतुर नंदन जारा नामे ततु सेतिके थाउ आउ साडु जीवानी तेणु काल केतुर संतान बोली आपण मानकर महाभारत मध्य कहिसंती तेबे जा हौ जारा शबर भगवान कृष्ण को सरविध कला अच्छा काहीं के मारिला जने शबर जातिहीन से पुणी भगवान कृष्ण को विनाश करिवार कारण कौन कृष्ण जे लीलामय पुरुषोत्तम ठाकुर एत जुगर अवतार होते द्वापर जुगर मध्य अवतार सामान्य गोटे शबर प्रभु को विनाश करिवार कारण कौन जदुवंश ध्वंस हला एथिपाई दायी किए निजे भगवान कृष्ण काहीं आपण मान ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रमाण कले कले लीलार कृष्णर लीला ए जगत त्रिविध उत्पा तो प्रत्यक्ष कृष्णर लीला ए जगत ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहंती कले कृष्णर लीला ए जगत भगवान कृष्ण लीलामय पुरुष निजे से लीला संरचना कले समस्त वंश को विनाश कले यार कारण कौन टिकी आकु कहिले जाई हबो ना समस्त जानिचंते भगवान कृष्णकर लीलावसान आमे पालाकार हे आउ अधिका कथा कौन कहिया टिके आउ भीतर को गले सेना हबो सियाली लता कोल रे भगवान कृष्ण सोइछंती नाई राउत महाशय आमर प्रमाण देले के सुना टिके पदटा एपट सेपट हे गला जशोदा मार
कोल झूलणा यशोदा मार कोल झूलणा देव द्वारका पुरा रत्न बिछोड़ा द्वारका पुरा रत्न बिछोड़ा सब तो छकारी शांति रे श्रीहरि सब तो छकारी शांति रे श्रीहरि श्रियाली लकार कोल रे बिहारि श्रियाली लकार कोल रे बिहारि प्रशांत बदने बिहार कर प्रशांत बदने बिहार करंती जगते उड़ाई धर्म रामना झूले झूले रे झूलना नंद झूलना झूले झूले रे झूलना नंद झूलना धन रे भगवान कृष्ण सियाली लता कोल शोइछंती ये कथा मु कहूछि आमर सस्मिता भौनी मध्य कहिले मो बापा मध्य ए कथा घरे कुहंती मु सुनिछि किंतु जदि शास्त्र को आमे अवलोकन करिबा तबे भगवान बादरायणी वेद व्यास कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण कोठे सोइथिले बोली व्यास निर्जास देइछंती संस्कृत भागवत रे नहीं राम निर्जान मालोक्य भगवान देवकी सुत निशाद धरे पस्ते कृष्णमा साध्य पिपलम व्यास जी भगवान कहिले कृष्ण भगवान कौटि सोइथिले ना अस्वस्थ वृक्षर आज्ञा पिपल लताटा गुड़े हेइथिला दिव्यात्मन टिके विचार करबाकु हबो आज्ञा पिपल कौन ना सर्दी हेले थंडा हेले जाक आमे सेवन करुछे बा खाउछे से हेउछि पिपल सुंठी पिंपली बोली आमर साधारण नारी माने कुहंती तबे जा हौ आपण मानकर संस्कृत भागवत गले समत स्वल्प टिके ओडिया भागवत को आसीबा आपण मानकर ओडिया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास सेया कहिले कले रामर देखी अवसान अस्वस्थ मूले भगवान अस्वस्थ मूले भगवान अस्वस्थ मूले भगवान राम चरण तोली धीरे अखिल जानू रूप रे ये सुना बाम चरण तोली धीरे दक्षिण जानूर उपरे रामर देखी अवसान अस्वस्थ मूले भगवान भगवान कृष्ण अस्वस्थ वृक्ष तले थका मेटेबा पई सम क्लांति अनुभव करुछंती ने क्लांति निवारण करबा उद्देश्य रे सेठी आज्ञा बसीथिले अस्वस्थ तरुमूल रे तबे जाहु आमे तो देखिने ना प्रभु सियाली लता तळरे सुकुळरे सोइथिले ना अस्वस्थ वृक्षर तळरे बसथिले तेबे जाहु जारा सबर आसिला सरनिखेप कला मारिला केउथिरे शुळको आनिबा ना पाला एमिति हुएनी मुसळा अवशे साय अखंड कृते सुलबुध कोजरा मृगस्याकारं त चरणं विव्याध मृग शंकया मुसल अवशेष खंड मुसलावशेष खंड अच्छा मुसल अवशेष खंड कौन आपण माने समस्त जानिथिबे सांब को नारी वेश करी अनेक अलंकार भरी उदरे लहु पात्र भरी प्रसव गर्भ प्राय करी इत्यादि इत्यादि जेते कथा ताकु छाड़ी दियंतु तेणु से मुसल जो लुहार मुसल किंतु सरल विधान कहिले से उचे कपोरा लुहार कपोरा गोटे कपरा शब्द अर्थ हूँ कड़ई तेज जाऊ मुसल हूँ कड़ई हूँ से मुसल को निशेष करदे भीम समुद्र घसिले के घसिले पाला एमती ना के दिन लगिक भीम से लुहार मुसल को घसिले निशेष कर समुद्र जल रिलीन करेली से जन्म है भासी भाषिक गला जन्म है एरका बन जहाँ को क्या संतरा बन तेज जाऊ से मुसल अवशेष खंड को कैवर्त नहीं दे जारा को अच्छा कैवर्त कहीं जारा शबर को देला तार कारण कौन
जारा सांगरे कहबर तोर संपर्क कौन या कहले जाए पाला ना केशु आमर प्रश्न रहिला आम तो उत्तर देचे जारार पिता कि आमर प्रश्न रहिला जारा शबर माना कौन रह पाटिकना तेणु आज्ञा से मुसल अवशेष खंड जो फल निर्माण करारा से भगवान कृष्ण को विनाश करु ये कथा कैबर्त सहित शबर संपर्क कौन कैबर्त हो शबर बंधु कैबर्तर ना कुंजरा बोली सारला महाभारत उल्लेख अच्छी ता पत्नी ना हूँ कुराली कुराली एवं कुंजरा कैबर्त जारा शबर ये हूँ बंधु ये जोबले धरला समुद्र रु मण ना जलंग जलंग को मैत्र पाख को पठेला कहीं ना ता देहर सुनार रश्मि विकिरण होता गोटे एमतीया मे समुद्र को आलोकित करती को मैत्र घर को मुझे पठेदेवी पत्नी हस्तर पठेदेला आणला कौन ता प्रतिबदल आणला मृगर मंस मृग मंस दे जारा शबर पत्नी देसी शबर पत्नी को देसी आणिकी आसी तेज जा हूँ तेणु से जारा शबर भगवान कृष्ण अपूर्व सुंदर दिव्य कमनीय रूप को दर्शन करुना पदे छांद गाइवा धन कवि हूँ दीनकृष दास बहर नाम हूँ रस कल्लोल अनुप्रास हूँ क राग हूँ आहारी कले कोटे शरद चंद्र जिनी मुख सुना जारा शबर भगवान कृष्णंकर अपूर्व सुंदर दिव्य कमनीय रूप को दर्शन करुची लता उहाड़े थाई प्रभुंकर रूप को देखिला कहला प्रभु नजाणी कली एड़े बड़ कर्म हे प्रभु ये दुराचार अधम को आपण क्षमा कर दिंतु डरी डरी भयभीत हो टिकी आग को जाउछंती जारा शबर भगवान कृष्ण डाकिले कले जारा अरे काहीकि कांदुछु मोर वांछित एहु कर्म कले मोर वांछित एहु कर्म जारा नकर मति भ्रम हे जारा तमें मति भ्रम करिबार आवश्यक नाही मु जानी सुनी ये कर्म को निजे ही भियाई कहीं तार प्रमाण कौन आहरी अनेक प्रमाण अच्छे संस्कृत महाभारत भगवान व्यास लिखिले गांधारी माँ अभिशाप दे मम दोष विनाशाय से दिन गांधारी माँ अभिशाप दे कहले हे कृष्ण तमें जेमिति मो वंश को मारिल मु अभिशाप देउछि तम निज वंश निजे ही विनाश हेबे एक सोदर जे अन्य अनि सारला दास एक सोदर जे अन्य अनि तु कराउ
ଏଇମିତି ତୋର ବଂଶ ନାଶ ହୋଇଯାଉ। କହିଲେ ଏକ ସ୍ୱଦର ଯେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କରାଉ, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ମାରିଲୁ ନା, ସେମିତି ବାପ ପୁଅ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ପୁଅ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଭାଇ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ତୋ ବଂଶ ଏମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶୁନା, ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା, ଆଉ ତ ସମୟ ସାଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉନି, ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନି, ସେଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି, ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ରହିଲା। ଆମର ଏଇଠୁ ବିଷୟ ଆସିଲେ ରାଉତ ମହାଶୟ ଗାଇବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯାରା ଶବର ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାରା ଶବର ଭଳି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଯିଏ ଗର୍ଭର ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେ ମା ଜଣକ କିଏ, ତାର ନାଁ କ'ଣ? କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ ଖଞ୍ଜ ଲଗାଇଲା ରେ, କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ ଖଞ୍ଜ ଲଗାଇଲା ରେ, କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ ଖଞ୍ଜ ଲଗାଇଲା ରେ, କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ ଖଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ କଞ୍ଜ ବଦନିକୁ, ଖଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ କଞ୍ଜ ବଦନିକୁ, ଖଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ କଞ୍ଜ ବଦନିକୁ, ଖଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ କଞ୍ଜ ବଦନିକୁ, ଆଖି ଠାର ମାରି ଡାକି ନେଲା ରେ, କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ କଞ୍ଜ ଲଗାଇଲା ରେ, କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ଅବସାନ ଅବକାଶରେ ଯାରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କେତେ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଅବସାନର କେଉଁ କାଳର କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ କେଉଁ କାଳ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି 15 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଅବସାନ, ଇଏ ଲୀଳାର ଅବସାନ ହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହବ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଭରିଯିବ, ମଣିଷର ସବୁ ଯେପରି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ମୋର ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ନିଶ୍ୱ ହେଇଗଲି, ନାହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯାଉ, ଆଜି ଏଇ ଲୀଳା ଅବସାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ କାହାଣୀର ଦୁଇ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଆମର ଗାୟିକାମାନେ ଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ଯେ ଆମର ପାଲାର ପରିବେଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ମାଆମାନଙ୍କର, ଆମର ଗାୟିକାମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।